नमस्कार, मोहित नरवाल कबड्डी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी डाइट के लिए और जो ये वीडियो है जो हम बना रहे हैं एडवांस लेवल प्लेयर के लिए, ठीक है। वैसे तो जैसे जो एडवांस लेवल का मतलब होता है अगले लेवल पे, उच्च स्तर पे, जैसे कि लाइक अच्छे नेशनल लेवल प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर, ठीक है, प्रो कबड्डी प्लेयर, उनके लिए। सबको नॉलेज होती है, कुछ ऐसे हैं इनको नहीं भी होती, या फिर भी हम बताना चाह रहे हैं। कुछ बच्चे जो उस लेवल की डाइट रखना चाहें ले सकते हैं। मैंने पहले दो वीडियो बताई, वो सिर्फ जर्नल घर का खाना नॉर्मल चीज़ें बताई हैं, ये हम बता रहे हैं एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जब भी ज़रूरी हैं, जब आप लंबे टाइम से गेम कर रहे हो या आपको जल्दी फिटनेस लेवल बढ़ाना है, ठीक है, आपके पास समय कम है, आपको जल्दी रिजल्ट देना है, तो जो भी आप इन चीज़ों यूज करना है, अदरवाइज इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। पहले हमारे कितने कबड्डी स्टार बगैर न्यूट्रिशन बगैर मेडिटेशन इस लेवल पर खेले, दो दो तीन तीन, जैसे राकेश कुमार सर 3 एशियन गेम्स खेले बगैर मेडिटेशन बगैर न्यूट्रिशन, और उनके जैसा प्लेयर उस टाइम लेवल पर नहीं हुआ कोई, कोई न्यूट्रिशन नहीं खाई, कोई मेडिसिन नहीं खाई, इस टाइप की खेले। मनप्रीत सिंह सर ने 47 किलो वेट लूज कर दिया था प्रो कबड्डी में दोबारा आने के लिए, और उससे पहले भी जब तक हम देखते थे, जब भी वो गेम मतलब हर जगह थे, एक वो उनको हमेशा इस चीज़ की प्रॉब्लम रही है वेट लूज करने की, मतलब किसी को वेट बढ़ाना था, किसी के लूज सब प्रॉब्लम आई, लेकिन किसी ने मेडिसिन उस टाइम यूज नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मेरा कहने का मतलब ये है बगैर मेडिसिन भी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे लोग ज़्यादा निर्भर हो गए कि भाई इस सब चीज़ें ज़रूरी होगी, वो खान पीन नहीं बचा, हर चीज़ में बदलाव आ गया, प्रकृति चेंज हो रही, तो चलो हम भी ले सकते हैं। आप अच्छी चीज़ है, अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ नेचुरल चीज़ें लीजिए। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले आप प्रैक्टिस के लिए सुबह जा रहे हो, फ्रेश व्रेश हो गए, गुनगुना पानी पिया आपने, उसके बाद प्रैक्टिस पर जा रहे हो तो आप एप्पल ले लो या बनाना ले लो, ठीक है, उससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी प्रैक्टिस करते टाइम। उसके बाद आप ग्लूकोज ले सकते हो, उसके बाद BCA ले सकते हो और अमीनो ले सकते हो। तीनों का काम, BCA का ग्लूकोज का काम अलग अलग सेम है, अमीनो काम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये आपको BCA जो है प्रैक्टिस के बीच बीच में लेते रहना है, वो आपकी बॉडी को टूटने नहीं देगा, साथ साथ आपके मसल को इंक्रीज करता रहेगा। जो अमीनो होता है, अमीनो का काम ये है, जैसे आपका कोई गेम आ गया भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करते हो 1.5 से 2 घंटा, उसके बाद आपकी बॉडी थक जाती है, 1.5 से 2 घंटे के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो अमीनो हम लेंगे तो हमारे को वो एक बार दोबारा बॉडी को उठाता है, ठीक है। हमने 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, बॉडी टूट गई, तो अमीनो पिएंगे तो दोबारा हमारे को एनर्जी मिलती है प्रैक्टिस करने की, उसके बाद हमारे 2-1.5 घंटे के बाद 1 घंटा और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी मदद से, तो इसलिए इसको लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री वर्कआउट की बात कर लो, तो कुछ खिलाड़ी प्री वर्कआउट भी लेते हैं, तो प्री वर्कआउट सबसे मैं हिसाब से गलत चीज़ मानता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाती है। फिर भी आप ले रहे हो तो आप अच्छी कंपनी का लीजिए, ब्रांड का, वो रिजल्ट जो लोकल लेंगे ना वो जल्दी रिजल्ट करेगा, वो कम करेगा, लेकिन वो आपके शरीर को ख़राब नहीं करेगा। तो आप अच्छी कंपनी का लीजिए, JNC है जैसे अच्छी कंपनी है, आप उसका ले लीजिए, और भी बहुत सारी कंपनियां, किसी का नाम नहीं लूँगा, तो आप उसका ले लो, गलत चीज़ नहीं लो, और प्री वर्कआउट से आप जितना बचोगे उतना अच्छा है, आपको बहुत नुकसान पहुँचाता है शरीर में, वो आप मत लो। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की, जैसे आपने सुबह की प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आप प्रोटीन पी सकते हो, प्रोटीन अच्छी चीज़ है, प्रोटीन गलत चीज़ नहीं है, प्रोटीन एक नेचुरल चीज़ है, प्रोटीन सिर्फ वो चीज़ है जो मतलब खान पीन में रिकवरी नहीं कर पाते, तो प्रोटीन के माध्यम से हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं फास्ट, क्योंकि एडवांस लेवल पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे को ट्रेनिंग भी फास्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ती है, एंडोरेंस की भी, स्पीड की भी, हर चीज़ की प्रैक्टिस हम करते हैं, तो उसमें रिकवरी बहुत ज़रूरी है। सुबह हमारा कहीं कैंप लग रहा है, 4-5 घंटे का हमारा टाइम मिलता है, फिर हमारा प्रैक्टिस हो जाता है, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो हमारे को 4-5 घंटे में बैकअप दे देता है, जैसे हम हमारी प्रैक्टिस बॉडी थक गई, हम अच्छा प्रोटीन ले हमारे पास है उसको पी लेते हैं, तो 4 घंटे में वापस हमारे को बैकअप दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए हम प्रोटीन यूज करते हैं। तो आप प्रोटीन ले सकते हो, बढ़िया कंपनी का, अच्छी कंपनी का हो, काफ़ी कंपनी है, तो आप ले सकते हो प्रोटीन ब्रांडेड कंपनी का। तो सुबह का आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये ले लिया प्रोटीन के बाद, बादाम पानी सबसे अच्छी चीज़ है,
सदाबहार चीज है वो बादाम पानी। बादाम को कुंडी में अच्छी तरह रगड़ो, कुंडी नहीं मिक्सर में रगड़ो, उसके बाद कपड़ा होता है छलना, जैसे पनीर का कपड़ा होता है उस टाइप को उसमें रख के उसको निचोड़ के बादाम पानी निकालो, वो सबसे मेन चीज नेचुरल सदा के लिए चलती आ रही है और सदा चलेगी, वो बहुत अच्छी चीज है, वो ले। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ ब्रेकफास्ट पर। तो ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का स्प्राउट्स ले लो, स्प्राउट्स के बाद आप ब्राउन ब्रेड, पीनट्स बटर ये चीज लो। ठीक है, ये सभी चीजें बहुत अच्छी हैं और जरूरी हैं। ये आपने ले लिया तो आप पोहा ले सकते हो ब्रेकफास्ट में, मीठा दलिया ले सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट में हो गया आपका। ब्रेकफास्ट के बाद आप चले जाओ लंच में। तो लंच में आपको ब्राउन राइस लेना है। ठीक है, सब्जी लेनी है ज्यादा एक बाउल, और सलाद लेना है फुल बाउल, सलाद, सब्जी, रोटी, कर्म लेनी है, दही लेनी है जरूर। ये सभी चीजें आपको लंच में ले सकते हो। ये सभी चीजें लेने के बाद आप जैसे एक घंटे के बाद आप जूस पी सकते हो और शेक पी सकते हो, जो आपका पसंद है, या जिस टाइप से आपकी सिचुएशन है, आप वजन लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो उसके हिसाब से, वजन गेन कर रहे हो बनाना शेक ले लो, वजन लूज कर रहे हो मौसमी जूस ले लो, पाइनएप्पल जूस ले लो, या फिर आप फ्रूट चाट ले लो, मिक्स फ्रूट चाट ले लिया, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिस में जाएंगे तो सेम प्रक्रिया फिर रहेगी जो मैंने सुबह बताई थी, वही प्रैक्टिस से पहले, प्रैक्टिस के बीच में, प्रैक्टिस के बाद में प्रोटीन ले सकते हो, और प्रैक्टिस खत्म हुई तो शाम को फिर आप बादाम पानी पी सकते हो, वो दोनों टाइम बादाम पानी पी सकते हैं, वो अच्छा है हमारे लिए। ये सब हो गया तो आप रात्रि के खाने पर आ जाओ। तो रात अच्छा आप मतलब नॉनवेज यूज करते हो, आप अंडा ले सकते हो प्रैक्टिस के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट में भी एग को ऐड कर सकते हो और शाम को भी, और चिकन को भी ऐड कर सकते हो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो। मैं तो नहीं खाता लेकिन ना मैं सजेस्ट करता, लेकिन अगर आप खाते हो तो आप इस चीज़ को ले सकते हो, सुबह भी ऐड कर सकते हो ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट के बाद लंच में ऐड कर सकते हो, और शाम को जितना हो सकता है चिकन कम खाओ, क्योंकि चिकन को डाइजेस्ट होने में समय लगता है, सुबह खाना चाहिए हमारे को। उसके बाद शाम के डिनर की बात कर लो, शाम को डिनर का आपको 2 से 3 रोटी खा लो, सब्जी ले लो, सब्जी में दाल वगैरह ज़्यादा यूज करना है, सलाद ग्रीन सलाद शाम को ये चलेगा, और दूध हल्का ये पीना है। और शाम को आपका डिनर हो गया तो डिनर के बाद आप एक ग्रीन टी पी लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो सभी चीज़ें बताई एडवांस लेवल की हैं, इसको आप यूज करो तो आपको अच्छा बॉडी बैकअप मिलेगा और अच्छी आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे। तो ये सभी था एडवांस लेवल के लिए डाइट था जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।